और आप लोग सपोर्ट करोगे तो एक प्लान बनाएंगे मस्सा और यहाँ फिर हम कैंपिंग करने आएंगे। देखो भाई मैं अनजान आदमी को फोन नहीं देता, टाइम लगाती है ना, समझता हूँ, चिल आउट करो, सब कुछ करो, बट इतनी गंदगी मत फैलाओ यार, सबसे रिक्वेस्ट है मेरी। अरे भाई लोग अपने रास्ता भूल चुके हैं भाई, यही सजेस्ट करूंगा आपको, कभी अकेले मत आना इस जगह पे, रास्ता भूल जाओ। सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग, खूब करते हैं आप लोग, अच्छे होंगे, अच्छा रहना, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज का ब्लॉग होने वाला है हमारे टीवी ब्लॉगर सुबी भाई के साथ और सचिन भाई के साथ भी होने वाला है। सचिन भाई भी आ गए थे ट्रिप मार के, वो जा रहे थे ना भाई, उनके ब्लॉग देखना आजकल, वो मस्त मस्त लोकेशन पे जा रहे थे। आई होप हम भी इन फ्यूचर यार कभी इतना एक्सप्लोर कर सके। तो यार सचिन भाई घर के नीचे आ गया, फटाफट से चलते हैं, हेलमेटर चालू उठा देते हैं भाई यहाँ से। और ये देखो भाई अपनी एंड और क्या मस्त लग रही है, हैंग करेगी यार। कैसे हो भाई, बताइयो भाई, बढ़िया, धन्यवाद। अभी डिसाइड नहीं हुआ कि हम कहाँ जाने वाले हैं, वैसे प्लान बन रहा कि खलंगा साइड चलते हैं, उसके बाद नहाने देखते हैं, बट अभी कंफर्म नहीं पता, तो देखते हैं क्या होता है। अभी यार ऐसे अकेले जाने में बहुत अजीब सा लग रहा है भाई, किसी को लेके आना चाहिए था मुझे साथ में। भाई यार भाई के यार सामान लो यार, कुल्फी कुल्फी खाओ यार, इतनी गर्मी हो रही है देहरादून में भाई, कितनी देर 10 और 20 वाले खाओगे भाई तुम, 10 20 वाले खिला दे यार भाई, 3 कुल्फी खिला दे यार, हैं कितने वाले खिला दे यार भाई, अपनी 20 वाले खिला दो यार तुम। पर भाई कुल भी सब खाना भाई, यहाँ पे जितने भी देर तुम के लोग देख रहे हैं कुल भी जरूर खाए भाई की, भाई को नाराज मत करो, यहाँ देखे भाई का पेटीएम भी है भाई, डायरेक्ट इस पे पेटीएम कर दो, लो भाई आपने देखा होगा सुबी भाई क्या खतरनाक है, मतलब उनका बिहेवियर क्या तगड़ा था यार, ये बंदूक भाई ने पूरी रखी है। इसका क्या काम है वैसे, इसका इसी पे जमती है ना कुल, इसी पे जमती है। अच्छा कुल भी बहुत बढ़िया यार भाई, भाई तभी तो सेट है भाई ने चैन डाले की 70 लाख रुपए गले में भाई, भाई ड्रीम इलेवन में मात्र 70 लाख रुपए छिटे भाई। अब तुम्हारा इंस्टाग्राम आईडी है क्या? नहीं है। फेसबुक तो होगा, व्हाट्सअप सब कुछ तो होगा भाई को, भाई पैसे जरूर भेजना, चाहे 1 रुपए भेजना, 10 रुपए भेजना, 1 लाख लोग देखते हैं वीडियो यहाँ पे, 1-1 लाख 1-1 रुपए सब भेजेंगे तो 1 लाख रुपए इकट्ठे हो जाएंगे तुम्हारे फोन में। घर से बना के लाते हो भैया आप? हाँ भाई देखो अब तुम हो गए फेमस, कोई बात अब तुम्हें लोग ना यहाँ ढूंढते ढूंढते आएंगे यहाँ पे, तो यहीं पे रहना कल तक। इधर उधर मत जाना, लड़की तो आती नहीं है खाने। लड़की? हाँ लड़की भी आएगी भैया, सब लड़कियाँ आएंगी भाई, जितनी भी लड़कियाँ देख रही है ना भैया, बना भाई के पास जरूर आओ। रंगीला भाई? अच्छा रंगीला से, रंगीला भाई है, रंगीला भाई बहुत फेमस है हमारे बिहार में, तो रंगीला भाई से कुछ भी खाने आ जाना ठीक है। तो यूट्यूब रख दो तुम्हारी वीडियो आएगी, तुम देख लेना भाई, नाम तो बता दो, पप्पू नाम नहीं है ना? पप्पू नहीं है, फोन निकालो, फोन 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 निकालो, बोलना नहीं फोन। देखो भाई मैं अनजान आदमी को फोन नहीं देता, अरे मेरा फोन आदमी चुरा कर भाग जाता है, अरे तुम भाग चुरा के हमसे भाग रहा, सुनो सही तुम ही निकलो अपने फोन में यार, है ना, सब्सक्राइब कर दो इनका, भाई लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कमेंट करें और शेयर करें, ठीक है भाई मिलते हैं अगली बारी, हेलो मिला दो, हेलो मिला दो यार हमसे भी। मैं तो सबको यही सजेस्ट करूंगा यार, जितनी भी छोटी छोटी ठेलियाँ होती है, छोटी छोटी शॉप्स होती है ना, वहाँ से ज़्यादातर खाया करो, क्योंकि बड़े बड़े रेस्टोरेंट तो यार एक पल के लिए चल ही जाता है। तो भाई गाड़ी आ गई आगे से, और इनका भी घर चलना चाहिए भाई, अगर यहाँ से कोई खाएगा नहीं तो फ़ायदा क्या है इनका घूम के इतनी धूप में, वो भी भाई हम पहुँच चुके हैं खलंगा में, और अभी हमारे साथ सचिन भाई। सचिन भाई सबसे पहले तो ये बताओ कि ऑडियंस को तुम्हारी ट्रिप कैसे रही? बहुत बढ़िया, बहुत मस्त, मज़ा आया बिल्कुल, और जिसने अभी तक ब्लॉग नहीं देखा वो जाके जल्दी देख सकता है। भाई साहब भाई ने ऐसा एक्सप्लोर किया ना भाई, मज़ा आ गया था, मतलब पहली बारी भाई मैंने ना भाई के पूरे पूरे ब्लॉग देखो, सच बता रहा हूँ मैं, मतलब पहले तो ऐसा यार पहले कैमरा हिलते थे, भाई ने अब गोप्रो भी ले लिया ना तो क्वालिटी भी अच्छी आ रही, देखने में भी मज़ा आ रहा, और बोलने का तरीका तो भाई का पहले से ही बढ़िया है, तो हरा भरा देखो मैंने चारों ओर देखो, और लोगों ने इतनी गंदी लोकेशन कर रखी ना भाई, ये देखो आप सामने देखो भाई, आते यार पूरा मूड ख़राब हो गया यहाँ पे, मैं समझता हूँ चिल आउट करो सब कुछ करो, बट इतनी गंदगी मत फैलाओ यार, सबसे रिक्वेस्ट है मेरी। भाई सामने देखो आप क्या मस्त लोकेशन पे आ रहा है क्या, मतलब यार मैं खलंगा आ रखा हूँ, मैं पीछे आ तक आ रहा हूँ जहाँ तक रोड है ना, बट मैं उससे ऊपर नहीं आया, आज हम पूरा ऊपर जाने वाले हैं टॉप पे, तो भाई देखते हैं भाई, पत्थर भी है यहाँ पे, आराम से चलना पड़ेगा यार, और अभी चढ़ रहे हम पूरी खड़ी चढ़ाई भाई साहब, तो भाई थक लग गई भाई साहब, ऊपर चढ़ चढ़ के भाई। चलो यार ऊपर ही चढ़ो, मतलब बेइज्जती हो जाएगी भाई साहब, भाई लोग बोल रहे क्या बैठ गया ये होता है, जैसे पहाड़ों में था उस टाइम पे तो हमारा चलना फिरना होता था,
तो हम भाई कितनी भी चढ़ाई चढ़ लेते थे, और अब देहरादून में आ गए भाई, स्कूटी दे दी घर वालों ने, चलना तो होता नहीं, तो आफत आ गई। इतनी सी छोटी चढ़ाई चढ़ने पर भी मैं ना शायद 300 मीटर चढ़ाऊँगा खड़ी चढ़ाई। तो यार हम जंगलों के बीचों बीच आ गए हैं, और भाई यहाँ पे पत्तों की आवाज़ आ रही है। यहाँ आपको चारों तरफ ना बस एक किस्म के पेड़ दिखेंगे भाई, बट इनका नाम नहीं पता है मुझे कि किस चीज़ के पेड़ है भाई, पर चारों तरफ यही यही पेड़ दिखेंगे आपको बस, और कुछ नहीं दिखेगा। हमें पिकनिक मनाने के लिए भी आ सकते हो, कैंपिंग वगैरह भी कर सकते हो, जिसको आना होगा बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ आराम से चिल आउट करने आ सकते हो आप लोग। और अभी बना रहे भाई लोग रील, सचिन भाई की रील बन रही है, सुबी भाई शूट कर रहे हैं, जो कि बहुत खतरनाक शूट करता है। तो गाइस मैंने बोला था ना, जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं वो भाई अपना कबाड़ा जो भी उन्होंने रैपर रूपर रख रखे हैं, बोटले रख रखे, वो घर जाके ले जाएंगे, और वही अपने सुब्बी भाई कर रहे हैं यहाँ पे। हमने पूरा कूड़ा उठा दिया, नाराज मत होना आप लोग, हम घर ले जा रहे हैं, बैग कहाँ है हमारा, बैग में डाल देते हैं इसको, ठीक है। तो यार हम देवभूमि से बिलोंग करते हैं, हमको वो पता होना चाहिए कि हम अपनी यार जो भी जहाँ रहते हैं, जहाँ हमसे बिलोंग करते हैं हम, तो उसको कैसे अच्छा रखें। तो गाइस यहाँ से हमारा डन हो चुका है, जो भी हमने खाना था हमने खा लिया है। सुब्बी भाई के 5K सब्सक्राइबर हो गए थे ना, तो उसका चिल आउट करने के लिए हम यहाँ पे आए थे। सचिन भाई कैसे लगा यहाँ के? अरे एकदम मस्त लोकेशन है, यहाँ अगली बार पक्का कैंपिंग करने आएंगे। कैंपिंग ना पक्का डन भाई, यहाँ पे ना कैंपिंग करने के लिए बहुत बढ़िया है। मैंने बोला ना यहाँ पे मतलब अगर कैंपिंग लगी इतना तगड़ा मजा आएगा ना, तो कैंप तो हमारे पास है नहीं, बट किसी से अरेंज करवा देंगे, खरीद के फ़ायदा नहीं। दोस्तों पे तो बहुत है, जैसे विकास भंडारी व्लॉग्स है एक अपने, तो उनसे मैं कैंपिंग का जुगाड़ करके कभी कैंपिंग का व्लॉग भी बनाएंगे। अभी तक कैंपिंग हमने की भी नहीं है, ना मुझे एक्सपीरियंस है करने का, बट अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो एक प्लान बनाएंगे मस्त, और यहाँ फिर हम कैंपिंग करने आएंगे। सारे भाई लोग अपने रास्ता भूल चुके हैं, क्योंकि चारों तरफ देखो जंगल ही जंगल है, कुछ दिख ही नहीं रहा भाई। और क्या मज़ा आ रहा है पत्तों पर चल के, देखो आवाज़ देखो इसकी कैसी कैसी आती है, देखो भाई सुकून मिल रहा है इसकी आवाज़ सुन के। ओ गया भाई सब मरी सामने, देखो आप कैसे कैसे रास्ते से जाना पड़ रहा हो। सचिन भाई भाई अब तो बहुत गलत आ गए हम सच में, भाई यही सजेस्ट करूँगा आपको, कभी अकेले मत आना इस जगह पे, रास्ता भूल जाओगे। चारों तरफ भाई सेम ही सेम दिख रहा, लेफ्ट देख रहे तो सेम रास्ता, राइट देख रहे तो सेम रास्ता, नीचे देख रहे सेम रास्ता, ऊपर भी सेम रास्ता, इसलिए हम कन्फ्यूज़ हो गए किधर साइड जाएँ। तो यार अब जाके हमें स्कूटी मिली है यहाँ पे, और हमारे शूज़ में देखो कबाड़ होगा भाई हैंग करके वहाँ ऊपर, इतना घास है, घास घूम के आ गए, और भाई अब चलते हैं यहाँ पे अपनी स्कूटी, और बाइक मेरी उधर साइड है, तो भाई यहाँ से चलते हैं आप और देखते हैं रास्ते में क्या क्या सीन होता है। तो गाइस यहाँ पे काफ़ी मज़ा आया यार, और मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कभी भी आना होगा ना चिल आउट करने के लिए, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। लोकेशन का नाम मैंने बता दिया था, खलंगा है, और अभी निकल रहे हम सीधा घर को यहाँ से। तो गाइस मैं घर पे आ गया हूँ, मैंने चेंज भी कर लिया, और मेघा दी भाई रेडी हो रही, इतना टाइम लगाती ना मेरी बहन रेडी होने में। यहाँ देख ले सारा सामान क्या बिखार रखा तूने, साफ नहीं कर सकता केस को तू? साफ क्या करना, क्या बिखार रखा बताइयो, ये तौलिया क्या है ये? से, से। तो उसको तो लेके जाना है हेलमेट को, तो उठाना फिर। आप भी देख लो भाई आज मेरी बहन खतरनाक है भाई, कसम से मतलब मेघा दी ने मेरा जीना मुश्किल कर रखा। मैं तो अपने घर मैं तो घर वालों को बोलूंगा भाई अलग रूम कर दो मेरा भाई, अब मैं मम्मी को फोन करूंगा शाम को, मेरा अलग रूम कर दो। मैं जा रहा हम यहाँ से निकल रहे हैं, और मेरे साथ अभी मेघा दी, इसने मेरे साथ इतनी लड़ाई करी ना, इतनी लड़ाई करी मतलब क्या ही बोलूँ मैं तो सच बोल रहा हूँ। मैं अगर वही घर से ना ब्लॉग देख रहा है ना, तो मैं तो कमरा अलग करने वाला हूँ, मेरे बस का तो नहीं है भाई मेघा दी के साथ रहना। क्यों माउंट दिला देना मेरे को फिर, मैंने तो मना किया ही है भाई, माउंटेन दिला रही आर्मी वाले हो के हमें माउंटेन दिलाया जा रहा है, माउंट दिला दे मेरे को, हां दिला दूंगी। तो मेघा दी ने भाई अभी देखी ना मुझे गूगल पे, अबे चल यार तू गाड़ी देख ले आगे। तो भाई मेघा जी हमें गूगल पे पैसे देगी, अभी मैं ऑर्डर करवाता हूँ, रुको यार। इस टाइम पे तो घर से बाहर आना पाप है, इतना ट्रैफिक मिलता है ना, इतना ट्रैफिक मिलता है कसम से। ये देखो लोग अंडसंड जगह से आते हैं भाई, इसीलिए ज़्यादा ट्रैफिक लगता है फालतू का ज़्यादा दिन के अंदर। भाई डिनर भी डन हो चुका है, अब जा रहा हूँ मैं सोने को, ज़्यादा कुछ खाने दिखाने को। आई होप आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे, पसंद आ रहे होंगे तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर दिया करो, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर।